राहुल गांधी को अपना स्पेशल पासपोर्ट सरकार को वापस देना पड़ा क्योंकि उनसे पार्लियामेंट मेंबरशिप छिन गई और कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी। अब इसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कहा कि उनको विदेश जाने के लिए एनओसी भी ना दी जाए क्योंकि उन पर अब तक नेशनल हेराल्ड केस की जांच चल रही। तो आखिर राहुल का पासपोर्ट क्यों लिया गया, राहुल का पासपोर्ट अलग क्यों था, कैसे बनेगा आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट का इतिहास क्या है और ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। सबसे पहला है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट क्यों लिया गया। अब मोदी सरनेम केस में मार्च 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाया और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनको 2 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने और फिर उनको अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकार को वापस देना पड़ा। कोर्ट ने मार्च 2023 में राहुल गांधी को उनके सांसद पद से हटा दिया और 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लौटाना पड़ा। अब विदेश जाने के लिए राहुल को सामान्य पासपोर्ट की जरूरत थी लेकिन उनके खिलाफ तो केस दर्ज है, तो राहुल को कोर्ट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की अर्जी लगानी पड़ी। आपको बता दें कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। राहुल की इस अर्जी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आपत्ति हो गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि 2012 के नेशनल हेराल्ड केस की जांच अभी तक चल रही है, ऐसे में कोर्ट को NOC नहीं देनी चाहिए, इसमें जांच पर असर पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2012 से नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, इस बीच कई बार राहुल विदेश यात्रा कर चुके हैं, ऐसी संभावना कम है कि वो चकमा देकर विदेश भाग जाए। और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया को जमानत देने के वक्त कोर्ट ने दोनों की विदेश यात्रा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने राहुल को 3 साल के लिए पासपोर्ट के लिए NOC दे दी। उसके बाद राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा के लिए अमेरिका चले गए। अब ये नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या, वो आपको आखिरी पॉइंट में बताएंगे। अब दूसरा है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट सामान्य लोगों से अलग कैसा था। अब देखिए भारत में 5 तरीके के पासपोर्ट होते हैं, इस ग्राफिक से समझिए आप। पहला है सामान्य पासपोर्ट जो ब्लू कलर का होता है और इसे आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। तो भारत के आम आदमी को ये पासपोर्ट दिया जाता है जिसके बाद वो वीजा लेकर विदेश यात्रा कर सकते हैं। दूसरा आता है सर्विस पासपोर्ट जो व्हाइट कलर का होता है, इसे सरकारी अधिकारियों के लिए बनाया जाता है। इसे सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करता है जब उसे किसी सरकारी कामकाज के लिए विदेश भेजा जाता है। सफेद पासपोर्ट रखने वालों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। तीसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि मरून कलर का होता है, ये राजनयिकों और स्पेशल ऑफिसर्स के लिए बनाया जाता है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे IPS और IS रैंक के अधिकारी को भी मरून पासपोर्ट दिया जाता है, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इमिग्रेशन में। विदेश यात्रा के दौरान भी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले स्पेशल स्टेटस इंजॉय करते हैं। फिर आता है अस्थायी पासपोर्ट यानी टेम्पररी पासपोर्ट, जब आपका पासपोर्ट खो जाता है तब इसे बनाया जाता है। ये पासपोर्ट टूरिस्ट के अपने देश लौटने तक ही वैलिड रहता है। पांचवा है फैमिली पासपोर्ट। फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनाया जाता है, इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनाया जाता है। राहुल गांधी के पास पहले डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था क्योंकि वो MP थे, पर जैसे ही उनका पद गया तो उनको ये पासपोर्ट लौटाना पड़ा। अब राहुल के पास सामान्य पासपोर्ट है और उसे 3 साल तक वैलिड किया गया है। अब तीसरा है कि आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा, तो आपको बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस ग्राफिक से समझिए। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, वोटर ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है एड्रेस प्रूफ, यानी इसमें आप बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, रेंट अग्रीमेंट जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है एनेक्स्टर फॉर्म 1 जो कि सिटीजनशिप और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का प्रूफ होता है। ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आपको passportindia.government.in की वेबसाइट पर जाना है और आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, अपने हिसाब से उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको पे करना होगा अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा कराने के लिए। फिर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, आपको आपके शहर के पासपोर्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगले 10 से 20 दिनों के बीच आपका पासपोर्ट घर डिलीवर हो जाएगा। इमरजेंसी में पासपोर्ट बनवाने का अलग प्रोसेस होता है और पासपोर्ट जो है वो 3 से 7 दिनों के भीतर डिलीवर हो जाता है। इसमें आपको 3,500 रुपये देने होते हैं। हर पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल तक की होती है और उसके बाद उसे रिन्यू करवाना होता है।
चौथा है कि पासपोर्ट का आखिर इतिहास क्या है। ये तीन चार पॉइंट्स में इसको समझिए। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना आप देश के बाहर नहीं जा सकते। ये आपका सिटीजनशिप प्रूफ होता है। 450 BC में लोग सीलबंद लिफाफे या टैक्स रिसीट्स इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 1540 में पहली बार इंग्लैंड के किंग हेनरी द फिफ्थ ने ब्रिटिश पासपोर्ट इशू करवाए। 1980 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पासपोर्ट के स्टैंडर्ड रूल्स बनवाए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो इतिहास में बने कुछ पासपोर्ट्स को दिखाती हैं। ये देखिए। और अब ये कुछ तस्वीरें हैं जो दूसरे देशों के अभी के पासपोर्ट्स दिखाती हैं। ये देखिए। पांचवा है कि ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसकी जांच अब तक चल रही है। बात शुरू हुई साल 2012 में जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस का नाम पड़ा नेशनल हेराल्ड केस। आरोप था कि कांग्रेस ने बिना कोई ब्याज के 90 करोड़ का लोन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को दे दिया, लेकिन AJL कंपनी ठप हो गई और लोन वापस नहीं कर सकी। फिर कांग्रेस ने एक नई कंपनी बनाई यंग इंडिया और AJL के सारे करोड़ों के शेयर्स और प्रॉपर्टी अपने पास ले ली। कानून के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में होकर ऐसे करने का अधिकार नहीं है। AJL कंपनी नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन न्यूज़पेपर छापती थी। इसे जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर शुरू किया था। इसके तकरीबन 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे। कोर्ट ने कांग्रेस को दोषी माना और नेशनल हेराल्ड की 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। राहुल और सोनिया को बेल दे दी गई और जांच आज तक इस केस की चल रही है। अब देखिए, जो सामान्य पासपोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आपके पास डिलीवर होता है, इसका बॉक्स, उसके अंदर ये इसका कवर, एंड दिस इज ब्लू कलर्स पासपोर्ट। और इसके बाद इसमें आपकी डिटेल्स लिखी हुई होती है, और जैसे जैसे आप कंट्रीज विजिट करते हैं तो वहाँ पर स्टैंप लगता जाता है। तो ये थी पासपोर्ट की कहानी। आप News24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।